बुलेट ट्रेन्स बनना शुरू हो गई हैं चेन्नई में भारत के अंदर, जो कि 250 किलोमीटर पर आर की कवरेज करेंगी। ये है अपने देश का स्वदेशी बुलेट ट्रेन। युद्ध स्तर पर यहाँ काम हो रहा है, इसको देख के लगता है कि कोई वार लड़ने की तैयारी हो रही है। इंजन बन रहा है ये वाला। तरक्की नहीं कर रहे हम, सिर्फ तरक्की कर रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो ना तो तरक्की हो रही है ना कोई काम हो रहा है, बस अल्लाह ही हाफिज है वो इस मुल्क को लेके, ना मतलब उसी के आसरे पे हम, ना तो कोई यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। एट द इंडियन रेलवेज इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इन चेन्नई वेयर वंदे भारत ट्रेन्स आर बीइंग डेवलप्ड एंड बिल्ट, ऑफिशियल्स हैव स्टार्टेड मेकिंग डिजाइंस फॉर बुलेट ट्रेन्स दैट विल बी डिजाइन डेवलप्ड एंड फुल्ली मेड इन इंडिया। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। हैं जिनकी जो रफ्तार होने वाली है वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। भारत की हाई स्पीड ट्रेन बनेगी। ये हाई स्पीड ट्रेन जो कि 250 kmph के लेवल को पार करेगी, और इसका मतलब भारत में बनाई गई अभी तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन ये बन जाएगी। अकॉर्डिंग टू एन इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट कोटिंग अ टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल, दीज इंडिया मेड बुलेट ट्रेन्स विल रन एट अ स्पीड ऑफ ओवर 250 किलोमीटर पर आवर। इंडिया की जो वंदे भारत लेड बुलेट ट्रेन्स होने वाली हैं, ये 0 to 100 kmph मात्र 52 सेकंड्स में कर रही हैं, जबकि यही वाली जो बुलेट ट्रेन्स जो अलग अलग देशों में देखने को मिलती हैं, वो 0 to 100 kmph 54 सेकंड्स में पूरा करती हैं। वो एक हम लोगों ने सॉन्ग रिलीज किया था ना, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो भाई हाँ हम खुद नहीं पढ़ पा रहे तो दुश्मनों को क्या पढ़ाना है। उनके बच्चों से अभी हमें फुर्सत नहीं मिल रही है, उनको हमने इतना तो पढ़ा दिया, वो तो बुलेट ट्रेन भी तैयार कर रहे हैं, वो क्या बात है, वो अपने मुल्क में इलेक्ट्रिक कार्स भी तैयार कर रहे हैं। जब उनको हम किसी लेवल पे पहुंचा देंगे ना, फिर शायद आए कि हम अपने तो बच्चों के बारे में सोचें और फिर हम तरक्की करें। चाहिए क्या उनको? ऊपर जा ही नहीं रहे हम, सिर्फ नीचे आ रहे हैं हर मामले में। आप बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी अरसा पहले ये जो इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं उनकी पहले उन्होंने शुरू की, उसके अलावा वो, और मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, जो चीज़ें हम बीएससी में जो पढ़ते हैं ना बीएससी में, वो अपने बच्चों को एफएससी और इंटरमीडिएट और मैट्रिक में वो उनके बच्चे इंडिया में वो चीज़ें इत पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जिन्होंने ये हर किस्म का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले थे उनको, उन्होंने एक तहफ़ था तो मुहैया इत करना था ताकि वो खुल के काम करते, वो डर रहे होते हैं कि पता नहीं हम ये कर रहे हैं, उनको ऊपर से मंजूरी होनी भी है कि नहीं होनी। ये बताइए अभी तक कितने हम एडवांस है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी में कितनी रिच कंट्री है पाकिस्तान, ये बताइए। हम ना एडवांस हैं ना हम रिच कंट्री हैं, हम सिर्फ डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। एजुकेशन में देखें, टेक्नोलॉजी में देखें, हमारे पास क्या है, एक सेल फोन हम तैयार नहीं कर रहे, ये हमारा अपना थोड़ी बनाया हुआ है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, हम तो सेल फोन ही एक नहीं हमारे पास हो रहा तैयार, हम बस ये है कि जो चीज़ चाइना से आती है वो बस हम, ये ना प्रायोरिटीज होती हैं हमारे जो ऊपर बंदे तो बैठे हुए हैं ना, उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है, उनका सिर्फ अपना पेट भरना, उनका अपना आप ये दूसरों पर काम करना, जो इत कहता था ना कि दूसरों के बारे में सोचें, उसको उन्होंने जेल में इत बिठा दिया। उसका नाम अगर मैं शायद लूँ तो आपकी ये वीडियो भी कहीं ना कहीं वो हो जाए। तो मसला ये है कि हम तरक्की नहीं कर रहे, हम सिर्फ तरक्की कर रहे हैं लेकिन नीचे की तरफ हम जा रहे हैं। तो ना तो तरक्की हो रही है ना कोई काम हो रहा है, बस अल्लाह ही हाफिज है वो इस मुल्क को लेके, ना मतलब उसी के आसरे पे हम, ना तो कोई यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा। देखें एक सेल फोन जहाँ पे नहीं हो रहा और हम तो बात करते हैं, हमें दुश्मन के बच्चों को, पहले अपने बच्चों को तो आप पढ़ाएं। एक हम लोगों ने सॉन्ग रिलीज किया था ना, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, तो भाई हाँ हम खुद नहीं पढ़ पा रहे तो दुश्मनों को क्या पढ़ाना है। उनके बच्चों से अभी हमें फुर्सत नहीं मिल रही है, उनको हमने इतना तो पढ़ा दिया, वो तो बुलेट ट्रेन भी तैयार कर रहे हैं, वो क्या बात है, वो अपने मुल्क में इलेक्ट्रिक कार्स भी तैयार कर रहे हैं। जब उनको हम किसी लेवल पे पहुंचा देंगे ना, फिर शायद आए कि हम अपने तो बच्चों के बारे में सोचें और फिर हम तरक्की करें। चाहिए क्या उनको? तो हमने कहा था हमने दुश्मन के बच्चों को तो पढ़ाना है, तो वो दुश्मन भी हैं तो वो तरक्की भी कर रहे हैं, तो फिर हम ही उनको पढ़ा रहे हैं ना। हम कैसे पढ़ा रहे हैं सर, उनकी अपनी किताबें हैं, उनका निज़ाम तालीम एक जैसा है, मॉडर्न तालीम है वहाँ पर, वहाँ के साइंटिस्ट वर्क कर रहे हैं, वहाँ की जदीद टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ उनकी अपनी है, तो हम कैसे उसमें किरदार अदा करें? हमारा फोकस एक चीज़ पर है कि हमने सॉन्ग रिलीज़ करने हैं, तो हमने सॉन्ग में कह दिया, मैं उसके बारे में बात कर रहा था, हमने सॉन्ग में कह दिया
हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। शायद कोई गाना ऐसा भी रिलीज कर दें तो हो सकता है इनके हमारे बच्चों, मजाक कर रहा हूँ ना, टोंट कर रहा हूँ, ये कैसे हो सकता है कि हम उनके बच्चों को पढ़ाएं। वो गूगल की कंपनी है, हर कंपनी के जो CEO हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं ज़्यादातर, वो इंडियंस हैं। और हम अफगानिस्तान की जो करेंसी है ना, तो हमारी करेंसी स्टेबल है। बस अल्लाह ही हाफिज़ है, मैं इसके बारे में क्या कहूँ। लेकिन पहले पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस चीज़ से मतलब वो एग्री नहीं थी कर रही कि भाई हमने बैन नहीं किया। अब तो ट्विटर की तरफ से रिपोर्ट आ गई है कि पाकिस्तान में ट्विटर को बैन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे, ट्विटर का बैन होना बेहतर है पाकिस्तान में? क्या ये वाकई में सिक्योरिटी जो इश्यूज हैं उसके लिए थ्रेट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, जहाँ पे जो है ना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हर बंदे को अपनी राय देने की आज़ादी है, हर बंदा अपनी राय दे सकता है। आज़ादी है या होनी चाहिए? मतलब कि आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन देने हक, क्योंकि मैंने पहली बात की है कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं, लेकिन अगर के आप जो है ना लोगों की आवाज़ों को बंद करेंगे, उनको बोलने नहीं देंगे, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया या प्रिंट मीडिया, किसी भी मीडिया के तहत अगर आप उनको बोलने का हक नहीं दे रहे, तो आपको पता है कि ग्लोबल वर्ल्ड है, पूरी दुनिया में बात फैल जाती है, सही है। और जो इमेज है पाकिस्तान की, वो तबाह बर्बाद हो जाएगी। कि यहाँ पे तो एक जो बुनियादी चीज़ है हर इंसान का, जो हक है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, वही नहीं मिलेगी। और आजकल स्पीच की जो सबसे अच्छा मीडियम है वो सोशल मीडिया है। और उसके बाद जो है ना, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हमारे जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं कंट्रीज के, या जो बाकी ऑफिशियल्स होते हैं, वो ट्विटर के जरिए आते हैं। लेकिन जब आप ट्विटर कोई बैन करेंगे तो इसका तो मतलब यही है कि आप जो है ना लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं दे रहे, जिसकी वजह से बहुत ही गंदा इंप्रेशन। ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इलॉन मस्क का प्लेटफॉर्म है, मतलब एक्स जिसे आप कहते हैं, ट्विटर कह लें, वो अभी इंडिया का विजिट करने जा रहे हैं, वहाँ पे अपनी टेस्ला कार के हवाले से मतलब फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं, यहाँ पे हम उनका ट्विटर को बैन करते नजर आ रहे हैं या बैन कर चुके हैं। आपको नहीं लगता कि ऐसे यही वजूहत है जिनकी वजह से दो कंट्रीज के दरमियान बहुत फर्क आ गया? आज इंडिया किधर से किधर चला गया, वहाँ पे मतलब बड़ी से बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, और यहाँ पे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उसे बैन किया जा रहा है। देखिए, जो इंडिया है ना, वो इस टाइम जो है ना करप्शन को तकरीबन खत्म कर चुके हैं। एक तो वो बहुत बड़ा मुल्क है, करप्शन अभी भी वहाँ पे, लेकिन काफी हद तक वो उसको कंट्रोल कर रहे हैं। हम लोग तो आज तक करप्शन से लड़ रहे हैं, हम लोग करप्शन को ही नहीं खत्म कर पा रहे। तो हम लोग जो है ना मुख्तलिफ जो है ना, जो हमारे अपने लोग है, वो लोग टैक्सेस और रिश्वतों और इन लोगों से जो है ना तंग आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। अब आप देख ले, अमेज़न के स्टोर जो है ऑफिशियल स्टोर वो इंडिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। ठीक है, क्योंकि फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। एप्पल स्टोर की बात करें इंडिया के अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है। ऊपर से यहाँ पता ही नहीं चल रहा कि कब बॉर्डर बंद हो जाएगा। अब ये देखे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारे मोबाइल्स वगैरह की, जो ना मेरे एक दोस्त है, उनका अपना बिजनेस है हाल रोड में, तो काफी अरसा जो है ना उनके इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मोबाइल्स की बंद रही है, स्पेयर पार्ट्स की। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना, जो इन्वेस्टर है वो समझते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना ही सबसे बड़ा रिस्क है। अगर स्टेट जो है ना लोगों को ये फैसिलिटीज फराहम करे और उनको जो है ना फैसिलिटेट करे, उनको मुख्तलिफ ऑफर्स दे, तब जो है ना जाके ये काम होंगे। इमरान खान साहब ने एक अच्छा इकदाम किया था कि वो कंपनीज को कह रहे थे कि मोबाइल कंपनीज को यहाँ पे आके इन्वेस्ट करें, हम आपका टैक्स फ्री कर देंगे। आईफोन वाले नहीं माने तो उन्होंने पीटीए मतलब कि वो लगा दिया और टैक्स लगा दिया। तो ये एक चीज है कि जितना आप जो है ना इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करोगे, वो उतना जो है ना आसानी से आके जो है ना यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल देखने वालों से भी होगा, जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, कि भाई देखें, क्या अगर किसी भी ऐप को बंद कर देना, बैन कर देना किसी मसले का हल है? बजाय इसके कि अगर लेट सपोज कुछ गलत हो रहा है, लेट सपोज ट्विटर पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कुछ अगर गलत हो रहा है, उसे आप रोक सकते हैं, लेकिन वो भी बताएं कि भाई ये चीज गलत है, इसे नहीं किया जाए, बजाय इसके कि पूरी की पूरी ऐप को बंद किया जाए। यूट्यूब भी कुछ टाइम पहले, मतलब आज से कोई 8-10 साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है, कि बैन कर दी गई थी पाकिस्तान में, उसी टाइम पे इंडिया के यूट्यूबर्स कहां से कहां चले गए, कितने डॉलर्स अर्न कर रहे हैं, और हमारे यहां पे भी यूट्यूब का कंसेप्ट आ रहा है। बिल्कुल ऐसी बात है दोस्तों। इस समय अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन की परियोजना को धरातल पर उतारा जा रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन की आगे की परियोजना के लिए ट्रेन सेट भारत में ही बनाए जाएंगे, और इसके लिए रेलवे बोर्ड ने तैयारी भी शुरू कर दी है। और भारत में बन रही बुलेट ट्रेन की स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा की होगी। एक अधिकारी ने बताया कि ये बुलेट ट्रेन भारत में चलने वाली सभी ट्रेनों से ज़्यादा तेज होगी। अधिकारी ने आगे बताया कि इसे वंदे भारत प्लेटफॉर्म पर बनाया जा रहा है। इस मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन की डिज़ाइन भारतीय रेलवे की चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में तैयार की गई है।
है। दोस्तों ये बुलेट ट्रेन वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्रांस की टीजीवी और जापान की शिकानसेन जैसी ट्रेनों के जैसी ही होगी। उल्लेखनीय है कि चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्वदेशी रूप से विकसित वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण करती है। दोस्तों इस बुलेट ट्रेन की खासियत के बारे में आपको बताएं कि इस वंदे भारत बुलेट ट्रेन का वेरियंट सिर्फ 52 सेकंड में 0 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है, जबकि मौजूदा बुलेट ट्रेन 54 सेकंड का समय लेती है। तो दोस्तों इसी बात से आप समझ सकते हो कि ये मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।